नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ। मैं जैन स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले वन विभाग के कर्मचारी नीमच मंदसौर रतलाम के आज नीमच में लामबद हुए वन विभाग के कार्यालय पर वन कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई, जहां पर वन विभाग के रेंजर के खिलाफ जो हाल ही में निलंबन की कार्रवाई की गई उसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया। कर्मचारी लामबद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए वन कर्मचारियों ने मांग करी कि जो रेंजर हैं विपुल करोरिया को जो हाल ही में निलंबन की कार्रवाई करी उन्हें बहाल किया जाए। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि किस प्रकार से राजस्व विभाग के कर्मचारी जो एसडीएम है उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए दुर्भाग्यपूर्ण रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करवाई गई। पूरे मामले में जो जगह है वो वन विभाग की जगह है और वन विभाग की जगह को राजस्व विभाग ने अपनी जगह बताते हुए कर्मचारी खिलाफ जो कार्रवाई करी वो पूरी तरीके से गलत कार्रवाई है। वन विभाग के कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। ज्ञापन के माध्यम से 15 दिन में कर्मचारी के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी रेंजर के खिलाफ उसे बहाल करने की मांग की गई। नहीं बहाल करने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 दिन में आंदोलन की चेतावनी दी गई। मैं निर्मल कुमार तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल। तपती दोपहर कड़कड़ाती ठंड और घनघोर वर्षा के अंदर हाथ में डंडा लिए वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा में वन विभाग का कर्मचारी लगातार लगा हुआ है। भारत सरकार की भी ये मंशा है, विश्व स्तर पे भी ये मंशा होती है कि पर्यावरण को बचाया जाए, और पर्यावरण जब ही बचेगा जब वन भूमि बचेगी। वन भूमि बचने से ही उसमें जैव विविधता का भी संरक्षण होगा। लेकिन नीमच जिले के अंदर अभी ये वर्तमान में देखने में आया है कि जो वन भूमि थी उसको राजस्व विभाग द्वारा गोलमाल तरीके से वन विभाग की भूमि को कम करके एक कंपनी को आवंटित कर दी गई है। और जब उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने के लिए हमारे रेंजर साहब गए थे तो उनको निलंबित कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि वो वन भूमि जो है वो राजस्व की भूमि है। इस तरीके से फर्जी गोलमाल करके राजस्व विभाग ने हमारे कर्मचारियों का मनोबल गिराया है। वन विभाग की भूमि के ऊपर अतिक्रमण कराने का और निजी कंपनियों को आवंटित करने का प्रयास किया है, उसके विरोध स्वरूप आज मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के कई जिलों के लोग और मैं भोपाल से यहाँ पधारा हूँ। पधारने का कारण ये है कि हमको कलेक्टर साहब को बताना था कि राजस्व विभाग ने जो कार्रवाई की है, एक तो वन भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया है उन्होंने और वन भूमि को गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को आवंटित किया है, और तीसरा जिसने सही कार्रवाई की थी उन रेंजर साहब को निलंबित किया है, उसके विरोध स्वरूप में आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और आज हमने शासन को एक ज्ञापन दिया है। 6 महीने से जो काम चल रहा था उसमें आरोप लग रहे हैं, 6 महीने से वन विभाग ने क्यों नहीं ध्यान दिया इसको? नहीं, 6 महीने क्या होता है, आपकी अगर कोई भूमि है और उसमें आपका लगातार आपका नाकेदार जा रहा है, ये आज से थोड़ी है। तो गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन तो 1956 में हुआ है, उसके सब उसके कागज लगे हुए हैं। और ये तो इन्होंने अपने नक्शों में गोलमाल किया है। जब संयुक्त सर्वे हुआ एक दिन पहले भी उसमें भी इन्होंने माना था कि फॉरेस्ट की जमीन है, बाद में फिर उन्होंने अंडरग्राउंड किया। अब इन्होंने क्या लेन देन किया, इन्होंने क्या गड़बड़ की, और जिसने सही कार्रवाई करने की कोशिश की वन विभाग के कर्मचारी ने उसको निलंबित कर दिया गया। एसडीएम का कहना है इसमें वन विभाग के जो डीएफओ हैं उनके द्वारा पंचनामे पे लिखा गया था साइन करेगा, इसको लेकर क्या हकीकत है? देखिए साहब, जो पंचनामा बनता है उसमें दोनों पक्षों को दिया जाता है, उसकी कॉपी इनको नहीं दी है। और उसकी कॉपी के अंदर आप मुझे बताइए, आप और हम मिलकर अगर पंचनामा बना देंगे, कलेक्ट्रेट मेरा है तो मान लोगे क्या? कलेक्ट्रेट जो गजट नोटिफिकेशन होगा उस हिसाब से चलेगा। कोई भी भूमि, कोई भी संस्था, कोई भी प्रॉपर्टी वो गजट नोटिफिकेशन से होती है, रजिस्ट्री से होती है। जब शासन का गजट नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि वन भूमि के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन्होंने गोलमाल किया राजस्व विभाग ने, और राजस्व विभाग ने जब प्राइवेट कंपनी को चीज आवंटित कर दी गई तो उस पाप को छुपाने के लिए इन्होंने हमारे वन विभाग के रेंजर साहब को निलंबित किया। हम ये चाहते हैं कि वो समस्त कार्रवाई जो रेंजर साहब के खिलाफ हुई थी वो उसको स्थगित किया जाए, उसको शून्य किया जाए, उसको वापिस बहाल किया जाए, जिससे वन कर्मचारियों का मनोबल बना रहेगा। आगामी अगर 15 दिन के अंदर निराकरण नहीं होते हैं तो नीमच जिले के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम बस्ता जमा करेंगे राजस्व विभाग के खिलाफ।